Your भाइयों ने इस वक्त यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी आज अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2021 सबसे बड़ी खबर, ध्यान दें। यहां देखें पंचायत चुनाव के आज के अंतिम सूची मिलेगी पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे अपने फोन पर कैसे देख सकते हैं आरक्षण सूची। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी एक एक जानकारी मिल पाएगी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करती है। गोरखपुर जिला प्रशासन की तरफ से मंगलवार शाम ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान बीडीसी सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। आमजन को देखते रखने के लिए इसे जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉकों पर भी छप्पा कर दिया गया है। शासन की तरफ से अंतिम सूची के प्रकाशन के लिए 2 और 3 मार्च की तारीख तय की गई थी, मगर एक दिन पहले प्रशासन ने सूची का प्रकाशन कर दिया है। पंचायती राज विभाग के मुताबिक 4 से 8 मार्च तक आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जी हां आपको बता दें, शिकायतकर्ता जिला मुख्यालय के अलावा ब्लॉकों में भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। 9 से 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तर होगा, जबकि 14 मार्च को आरक्षण की फाइनल यानी अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 15 मार्च को इसे पंचायती राज निदेशालय को भेज दिया जाएगा। जी हां आपको बता दें, शासन की तरफ से इस बार कुल 1294 ग्राम पंचायतों में से प्रधान पद के लिए एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए 649 गांवों को आरक्षित किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 208 ग्राम पंचायतें आरक्षित रहेंगी, जबकि 437 गांव अनारक्षित हैं। आरक्षित पंचायतों में किसी भी जाति वर्ग का उम्मीदवार प्रधान पद के लिए अपनी किस्मत आजमा सकेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए इस बार 6 गांव आरक्षित हैं, इनमें से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये गांव जंग, कौड़ैया, ब्राह्मणपुर और कौड़ीराम ब्लॉकों के हैं सभी। वहीं ब्लॉक प्रमुख के 20 पदों में से 7 पद अनारक्षित हैं। जी हां दोस्तों, यह जानकारी को कैसे लगे हमें नीचे देखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।